क्या कौन सा ये तो बता वो भी मंगवाऊंगा मैं यार। सब भाभी भाभी सब भाभी इधर हम भी हैं भाई भाई तुम्हारे लिए। आज सुबह भी बारिश हुई है और आप देख सकते हैं सर पर पानी है। और आज भी मैंने वाइट शूज़ पहने थे बट दूसरे पहने थे तो इस वाइट शूज़ की बचत हो गई। स्लीपर्स भी लाया क्योंकि आज नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होगी। आज पहला रोज़ा है तो मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है और देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और फरहान भाई भी जा रहे हैं। फरहान भाई जो है ना अभी आई थिंक लेट हो गए। फरहान भाई चलते हैं अंदर। आज मौसम चेक करें, बाहर बारिश हो रही है और हम यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं। और ये चेक करें गाइस, 2 बज चुके हैं और इस वक्त जो है ना धूप निकल चुकी है और बारिश रुक गई है, वरना सुबह से ना बारिश बरस रही थी। तो अभी धूप वगैरह निकल गई है, मौसम भी थोड़ा बेहतर हो रहा है। इस वक्त जो है ना मैं नमाज अदा करने के लिए उठा और यहाँ पर कहते हैं नमाज अदा रमजान में काम चल रहे तो हम अपने जो है ना भाई का ब्लॉग देखे थे। और यहाँ पर देखे अली भाई भी जो है ना भाई का ब्लॉग खोल के बैठ गए और कुछ करने को नहीं। वेरी नाइस, कीप इट अप। गाइस 6 बज चुके हैं और अभी हम चेकआउट करके निकलने लगे हैं घर रॉबिन भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, रमजान मुबारक एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज 6 बजे मैं ऑफिस से इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि 5 बजे जो है मैं ऑफिस से बिल्कुल फ्री हो गया था, छुट्टी हो गई थी, लेकिन व्लॉग एडिट करना था और अपलोड भी, बट अनफॉर्चुनेटली अपलोड नहीं हो सका क्योंकि नेट का इशू चला था। तो अभी रास्ते में अपलोडिंग पे लगा देंगे, घर जाते हुए होपफुली हो जाएगा। चैनल पे नए आने वालों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, उसके अलावा बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो अफ्तारी का टाइम 6:45 है और 6 बज चुके हैं, 45 मिनट रह गए हैं और अभी जो है मैं ऑफिस से निकलने लगा हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाऊँ। गाइस सुबह से जो ना मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, अभी काफ़ी जो है ठंडी हवा चल रही है और सुबह तो बारिश हो रही थी लेकिन बारिश जो है अभी खत्म हो चुकी है और सड़कें भी जो है ना सूख चुके हैं। पानी पहले बहुत जमा था लेकिन अब जो है ना काफ़ी जो है बेहतर हो चुका है और इन पत्तों के हिलने से अंदाजा होगा कि हवा कितनी मज़ेदार चल रही है। अच्छा तो जी घर पहुंच चुके हैं और व्लॉग भी जो है ना फाइनली अपलोड हो चुका है। रास्ते में अपलोड हो गया था तो मैंने उसी वक्त जो है ना पब्लिक कर दिया और अभी घर पहुंचूं। तो सबसे पहले जो है ना मुझे असर की नमाज़ अदा करनी है क्योंकि मैंने असर की नमाज़ अदा नहीं की अभी तक। तो चलें सबसे पहले असर की नमाज़ अदा करते पहुँच के और रोज़ा खुलने में अभी कोई 20 मिनट बाकी हैं। तारीख के लिए दस्तक फॉर्म भी लग चुका है इस रूम में और यहाँ पर मैं नमाज़ अदा कर लेता हूँ क्योंकि अभी सब तारीख बनाने में बिजी हैं। फ्यू मोमेंट्स लेटर मेरी तो सारी हो चुकी है और ये साहब जो है ना भाभी भी और भाई साहब भी जना अभी तक खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? हाँ भाई खाते रहो। सही है। गाइस सीरियस है कि अफ्तारी की बात ना मैं तो कम खाता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा पेट तो अपना है, ये निकलेगा तो मुझे ही अंदर करना पड़ेगा। इन साहब को तो लगता है पेट जो है ना किराया पे लिया हुआ है। हाँ कर लो जैसा करना, जब पेट निकलेगा ना पकौड़े खाओ, समोसे खाओ, ये पकौड़े खा रहे साहब भाई। गाइस अभी जो है ना मगरिब की नमाज़ अदा करूँगा, उसके बाद मैं 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करूँगा क्योंकि इस आँखों में भी शदीद दर्द हो रहा है। तो मिलते हैं आप सबसे छोटी सी नींद पूरी करने के बाद। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, जुमा मुबारक और आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। तो मेरा व्लॉग कल जो है मैं एंड नहीं कर सका था ड्यू टू सम रीजंस, बट आज जो है मैं व्लॉग एंड भी करूंगा। और इसके अलावा जो मैंने एक कमिटमेंट की थी भाई और भाभी से कि कराची आएंगे तो मैं इनको गिफ्ट दूंगा, तो आज जो है वो वाला गिफ्ट तो नहीं देने जा रहा लेकिन भाभी को दूसरा गिफ्ट देने जा रहा हूँ जो कि भाभी से गाँव में जब व्लॉग स्टार्ट किया था तब कमिटमेंट हुई थी जो कि ऑफ कैमरा हुई थी। तो चलें अभी चलते हैं बाहर भाई और भाभी के पास। और इसके अलावा जो मैंने ये नमाज की टोपी पहनी है माशाल्लाह से जो है ना सऊदी अरब से आई थी और मेरे जानने वालों ने दी थी, मुझे बहुत पसंद थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए भी ये लेके आना, तो उन्होंने मुझे लास्ट रमज़ान में दी थी और ये हर रमज़ान में मैं पहनता हूँ। तो कैसी लगी मेरी टोपी? दिखा जरा पहन के। नहीं ये वापस नहीं मिलेगी, जरा चेक करता है इंसान, क्वालिटी चेक करता है कि बाकी में सोजिया से आई ही नहीं है। कैसे आप पता चले भाई ये 2 मंगवाई थी? क्या कुछ भी कहीं से भी लेके दिखा रहे हो? फिर देख के पास चलता है भाई, इस वक्त मेरा रोजा है और रोजे में इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, सही है। और दूसरी चीज ये कि आपको चाहिए तो आपके लिए मंगवा देंगे। यस ठीक है, फिर सही होगी, आज कल होगी, कब मंगा रहे जब आप गंजे हो जाओगे। मंगा यार बातें। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास 2 लैपटॉप हैं, 2 नहीं 3 है, तीसरा ऑफिस में वो ऑफिस वालों का है, वो ऑफिस का एसेट है ये फर्स्ट। हाँ तो ये थोड़ा सा डस्टी हो रहा है, इसमें मिट्टी आ गई है। तो ये लैपटॉप मेरा फर्स्ट लैपटॉप था, तो मैंने जब एक ऑफिस ज्वाइन किया था तो उसमें जो है ना इस लैपटॉप पर काम नहीं था क्योंकि इसमें जो है ना बहुत स्लो है सर्विस इसकी,
मतलब कि इसमें जो है ना मेमोरी वगैरह बहुत स्लो है और बहुत स्लो चलता है, तो मैंने ये लैपटॉप लिया था और ये लैपटॉप जो है ना बहुत ही मतलब आला किस्म का है। इसके ऊपर स्टिकर जो है ना इस पर निशानात आ गए, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसकी मेमोरी भी अच्छी है, रैम भी अच्छी है। तो ये लैपटॉप और ये लैपटॉप, इन दोनों में से चॉइस देंगे भाभी को, क्योंकि भाभी ने ऑफ कैमरा एक साल पहले कहा था जब मेरे व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की थी कि उन्हें लैपटॉप चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए भी, और इसके अलावा लैपटॉप की भी ज़रूरत है उनको। तो आप पूछते हैं ये किसे देखें, इसमें से मेरा कौन सा, ये तो बता इसमें से वो भी मंगवाऊंगा मैं आपके लिए। भाभी भाभी सब भाभी इधर, हम भी हैं भाई भाई, तुम्हारे लिए जो ना कंप्यूटर तो रखा हुआ है। ठीक है भाभी, चुनती रहे, हम देखते हैं फिर इस बारे में कुछ करते हैं। चलो पक्का वो तुम्हें चाहिए, ये खराब है होगा। सही है, इसका चार्जर जो है ना वो आगे पीछे मिसप्लेस हो गया, बट ये लैपटॉप सही है। तो चार्जर ले लेते हैं इसका। हाँ ये मतलब कैरी करने में भी ईजी है, आप इजीली कैरी कर सकते हो, बट इससे बेटर ना मतलब ये अच्छा है, ये भी सेम ही है। तो ये भाभी तो ये चार्जर भी, तो ये भाभी का छोटा सा गिफ्ट है जो कि अभी थोड़ा सा जो ना रफ कंडीशन में हो रहा है, बट ये चलता बहुत ही फिट है। ये चलाया वैसे? हाँ ये बहुत मस्त काम करता है, ये दो दिन से थी यही यूज तो कर रही है। इसकी एक और रैम रखी हुई है वो भी लगा लेना, तो ये जो ना भाई हम मेरे खाली यही यूज कर रहे थे कर। नहीं ये वाला यूज कर रहे थे मुझे मालूम है। तो ये वाला लैपटॉप जो है ना ये जो है ना भाभी को गिफ्ट करते हैं, तो मेरी तरफ से गिफ्ट है, वेलकम। अबू की अमानत रखी हुई है मेरे पास, अबू की अमानत भी लेके जाना। और ये भाभी का गिफ्ट, तो भाभी तो लेके नहीं जा सकती, अब्बू का मोबाइल लास्ट में लेके जाना। हाँ इसको फिर सेफ कर देंगे, इसको बॉक्स करके, इसका बॉक्स पड़ा है, इसका बॉक्स हाँ रखा होगा। अगर नहीं है कोई मसले नहीं, मेरे पास बैग है उसमें सेव करके रख देते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है। बाकी एक और गिफ्ट जो मैंने मेन गिफ्ट कहा था वो तो फिर मुझे 155 भैया गाड़ी वाड़ी कोई बाइक वाइक क्या गिफ्ट, चॉकलेट पकड़ा देगा क्या गिफ्ट? मैं आवाम को बता रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बड़ा भाई कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, आज से क्या दिया है सिवाय दुआओं के? दुआओं में बहुत असर होता है, दुआ में असर हो गया है, दुआओं का असर देखो 26,000 माशरे सब्सक्राइबर्स हो गए, मुझसे भी आगे चले गए, दुआओं का असर है। तो देखो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज क्या देता हूँ, देखना समझ लो। चलो तुम पहले जो है ना कोई बड़ा भाई हो, कोई 125 कोई चीज, कोई अच्छी चीज के बड़ा भाई लगो भी तो सही, बाहर जाते बोलते दोनों एक जैसे उम्र के लगते हो, बड़ा भाई लगना चाहिए। अच्छा बड़े भाई, चलो भाई ये बड़ा भाई है, मैंने बता दिया सबको ये बड़ा भाई। नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा चीजें मीजे कुछ। चलो गाइस चलो मैं क्या करते हैं, ये तुम रख लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है, एक और चलता है। हाँ ये चलता है बस, ठीक है ये मेरा हो गया बस। सही है, गिफ्ट एक्सेप्टेबल है? नहीं नहीं चीज गिफ्ट तो अभी है, ये तो मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये वेस्ट ना जाए। चलो ठीक है, एक भाभी स्टडी कर लेंगी, तुम उस लैपटॉप पे कार्टून देख लेना। सही है सही है। तो गाइज वैसे मेरा जो गिफ्ट था ना वो ये नहीं था एक्चुअली में, वो अभी पेंडिंग है, इन प्रोसेस है, तो वो जब ये दोबारा से आएंगे क्योंकि इनकी टिकट्स कंफर्म हो गई हैं, अभी भाई और भाभी जा रहे हैं गांव के लिए, फ्राइडे को ये दोनों रुखसत हो रहे हैं, और फ्राइडे को आज फ्राइडे, तो जैसे कि मैंने बताया कल व्लॉग जो है मैं एंड नहीं कर सका था, आज व्लॉग एंड करो, तो आज फ्राइडे रात को भाई और भाभी यहाँ से निकल लें, और अब वापस तभी आएंगे जब पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे और टेंशन फ्री होके आएंगे। तो ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, और इसके अलावा गिफ्ट जो है ना जब ये पेपर दे के आएंगे तभी इनको मिलेगा, और वो एक्चुअल गिफ्ट क्या होगा वो तभी इनको पता चल जाएगा, और आप सबके साथ भी जरूर शेयर करेंगे एक बेहतरीन व्लॉग के साथ। तो गाइस मुझे दीजिए यहीं पर इजाज़त, व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके अलावा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।